नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एंटरटेनिस्तान देख रहे सभी दर्शकों का मैं मनु तनवर स्वागत करती हूं। आज मैं फिर आ गई हूं आपके पास बॉलीवुड की टॉप अपडेट्स को लेकर। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही रिया चक्रवर्ती पर उनके मौत के आरोप लग रहे थे। तभी से रिया ने मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही प्लेटफॉर्म से दूरी बना ली थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसे देखकर एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गई हैं। शेयर की गई इस पोस्ट में रिया ने विश्वास का जिक्र किया है, जिसे पढ़कर हर कोई हैरान नजर आ रहा है। दरअसल रिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक बुक पढ़ते हुए फोटो शेयर की है और उसमें उन्होंने फेमस लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता गीतांजलि की कुछ लाइनें भी लिखी हैं। रिया ने लिखा है कि सवाल और रोना ओ कहां, 1000 धाराएं आंसुओं की बह गई और दुनिया को आश्वासन की बाढ़ में बहला दिया। मैं हूं रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती ने इसमें हैशटैग कीपिंग द फेथ का भी यूज किया है। रिया ने जैसे ही ये पोस्ट शेयर किया, कुछ ही देर में ये तेजी से वायरल हो गई। कई यूजर्स ने इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी दिए हैं, जहां एक तरफ उनके फैन उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके खिलाफ बातें भी लिख रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों को अपना नाम दिया है, लेकिन अब फैंस उनकी कार्बन कॉपी देखकर हैरान हो गए हैं। हाँ जी, इंस्टाग्राम स्टार हिना लगातार अपनी वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। इन वीडियोस में वह करिश्मा के गाने पर लिप सिंक करती हुई नजर आती हैं। हिना बिल्कुल करिश्मा कपूर जैसी नजर आती हैं और कई बार तो फैंस उन्हें देखकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हिना की एक्टिंग भी ऐसी है कि कई बार फैंस धोखा खा जाते हैं कि कहीं ये ओरिजिनल करिश्मा कपूर तो नहीं है। करिश्मा के वीडियो और डायलॉग्स के बदौलत ही हिना नेटिजंस के दिलों पर राज करती हैं। अभी इंस्टाग्राम पर उनके 36K से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं और कई लोगों ने शानदार कमेंट से एक्ट्रेस का दिल जीतने की कोशिश भी की। एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, ओह कुदरत का करिश्मा, जबकि अन्य ने लिखा, करिश्मा कपूर ये बिल्कुल आप जैसी दिखती हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। अक्सर इंस्टा यूजर उनकी तस्वीरें और वीडियोस पर ऐसे ही शानदार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की गिनती उन एक्ट्रेसेस में से होती है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में कामयाबी को हासिल किया है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि यहाँ शोहरत हासिल करना जितना मुश्किल है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है कि उसे बरकरार रखना। जानवी दोनों ही बातों पर खरी उतरी हैं। उन्होंने शोहरत हासिल भी की है और उन्हें उसे बखूबी बरकरार भी रखा है। इसके अलावा जानवी कपूर अपनी फिटनेस को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अपने भविष्य की कल्पना करना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ कब कोई सितारा डूब जाए नहीं पता। महिमा चौधरी भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही शाहरुख खान की फिल्म से की थी। फिल्म सुपरहिट हो गई थी और महिमा का करियर भी चल पड़ा था, लेकिन एक सड़क हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी ही पलट के रखी। महिमा चौधरी अभी अपनी पर्सनल लाइफ पर पूरा ध्यान दे रही हैं। महिमा इंस्टाग्राम पर भी काफी सक्रिय हैं और अपने फैंस के लिए लेटेस्ट वीडियोस और फोटोज भी शेयर करती रहती हैं। अभी महिमा का एक वीडियो काफी तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ डेंटिस्ट के पास जा रही है। वीडियो में महिमा की बेटी अरियाना भी देखी जा सकती हैं। अरियाना की क्यूटनेस देखते हुए ही बन रही है और इंस्टा यूजर्स को भी बहुत पसंद आ रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि महिमा ने पहली बार अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कर की आवाज करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। नेहा ने अपनी मेहनत और लगन से आज फिल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है। नेहा कक्कर इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल की जज भी हैं। एक वक्त था जब नेहा कक्कर इसी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर आई थी। आपको बता दें कि इंडियन आइडल 2 में बतौर कंटेस्टेंट आने वाली नेहा कक्कर आज इसी शो को हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के साथ जज कर रही है। तो ये थी आज की टॉप बॉलीवुड अपडेट्स। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे यानी मनु तनवर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।